मैं बिहार स्टील वर्कशॉप से बोल रहा हूँ और मैं खुद ऑनर हूँ जो स्टील ट्रॉली बनाता हूँ और आए दिन मेरा जो है ऑर्डर जो है ऑनलाइन आते रहता है। सब ऑनलाइन का ऑर्डर जो देख रहे हैं आप, ऑनलाइन का यूट्यूब के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है। तो ये काफ़ी दूर से मेरे को ऑर्डर दिया है कस्टमर ने और इन्होंने मतलब पूरा फुल सेटअप नहीं बनाया करके बल्कि हाफ सेटअप बनवाया है इन्होंने। खाली पीछे का जहाँ स्पीकर रखा था उतना ही बनवाया, पूरा फुल सेटअप नहीं बनवाया है। तो इस तरह का दिखने वाला है, यानी कि फुल सेटअप का जो है इसका हाफ बनाया गया है खाली पीछे का। इसमें जो है आप तीन को है, दो बेस आएगा सिंगल 18 का और तीन टॉप आने वाला है डबल 15 का। इस तरह दिखना है जब मैं जो है समय पावर लाइट लगने वाला, ऊपर ही पावर लाइट लगेगा और ये शार्पी का फंक्शन दिया गया, दो शार्पी भी लग सकते हैं। तो ये समय प्लाई लगा करके जाप है, प्लाई लगा के जब बल्ब जलेगा इसमें ही प्लाई लगेगा, तो ऊपर में प्लाई लग करके छोटा छोटा LED बल्ब 3 वाट का लगेगा इसमें। तो इस तरह का दिखने वाला है, यहाँ पे भी जो है प्लाई लगेगा। तो कस्टमर दिया दोनों बाजी से और ये यहाँ से नट बल्टू है ये फिक्स रहेगा गाड़ी में, ये यहाँ से खुल जाता है बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस तरह का दिखता है, जरा पीछे से दिखाइएगा इस तरह पीछे दिखता है, यहाँ पर से दिखा दे दीजिए। ये देख रहे हैं पूरा ये स्पीकर का एरिया है और ये देख रहे हैं हुक जो लग रहा है, ये हुक जो गाड़ी का जो होता है वो टाना जिसको कहते हैं, जो टाला में जो टाना रहता है उसमें ये हुक लग जाएगा। ये हुक लगने वाला जो है वो उसमें टांग करके ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये हमारे व्यूअर को जरा सब कुछ दिखाया जाएगा, दूर दिख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कस्टमर को, जरा दूर से दिख लीजिएगा पूरा सेटअप कैसा दिखता है ये। और हमारे बोर्ड की तरफ भी एक बार फोकस कीजिएगा, तो ये जो जिस तरह दिख रहा है आपको इसमें जो है सिर्फ यहाँ तक 3-4 फीट का दिया गया है, बाकी का सिर्फ स्पीकर रखाएगा, अगल बगल में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये गाड़ी जो है फुल डाला है। तो मेरा कहना था कि भाई आपको जो है हाफ डाला चाहिए। ये देखिए पूरा गाड़ी, ये पिकअप गाड़ी है, देख रहे हैं पिकअप गाड़ी है, जो पिकअप गाड़ी में इसको लोड किया गया है और ये सिर्फ इतना सा बनाया गया है। और यहाँ पर देखिएगा हुक यहाँ पर दिया हुआ है, जो इस पर जो ढाला पे जो है हुक लगा करके फिर पीछे का सेटअप बनाया गया है। पीछे का सेटअप जो देख लीजिएगा, ये इस पीछे का सेटअप है, यहाँ पर से जो ये अलग होता है, यहाँ पर नट बोल्ट लगाया गया है स्पीकर डालने के लिए, ये पीछे बिल्कुल ये हट जाएगा। यहाँ नट बोल्ट है, वहाँ नट बोल्ट है, तीन नट बोल्ट इधर दिया गया है, तीन नट बोल्ट उधर दिया गया है, ये पोजीशन बिल्कुल निकल के बाहर आता है। उसके बाद आप स्पीकर लगा करके डाल करके फिर नट बोल्ट इसको लगा सकते हैं, ये पूरा ये ओपन होता है आगे से इस तरह दिखता है। तो इस बिल्कुल डिजाइन बड़ा बढ़िया डिजाइन बना के दिया हूँ, कस्टमर बहुत पसंद आया। तो ये भी देख लीजिए किस तरह दिखता है, यहाँ पर जरा देख लीजिएगा। इसमें जो स्पीकर जाने वाला है तो ये सिंगल 18 का दो बेस आएगा और डबल 15 का दो तो तीन टॉप आने वाला है। आप चाहें तो 4-15 का 4 स्पीकर भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या 4-12 है या 6-12 है, आपके मन के मुताबिक जो आपके पास पहले से स्पीकर है तो उसके हिसाब से आप बनवा सकते हैं। तो इस तरह दिखने वाला है। तो ज़रा सा यहाँ देखिए शार्पी का भी दिया गया स्टैंड, दो शार्पी लगेगा, ऊपर पार लाइट लगेगा, ऊपर में कौन सी लाइट लगेगा, यहाँ प्लाई का सिस्टम दिया गया है, प्लाई लग करके यहाँ पे कौन सी लाइट लगेगा, यहाँ ये प्लाई का सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर भी प्लाई लग कर लाइट लगने वाला है। तो ये बहुत खूबसूरत नक्शा है जिन्होंने बनाया, मैं उसे मिलाता हूँ। आइएगा सर, क्या हाल है सर आपका? हमारे व्यूअर को जरा बताइए, अपना नाम बताइए सर पहले। तो सर एक बात यह है कि आपने किस तरह से ऑर्डर हमको दिया है, और ये पहले अपने कस्टमर बताएं किस तरह से हमने ऑर्डर दिया। तो ये बाहर में मैंने ये बाहर में नौकरी कहीं काम करते थे, तो वहाँ से मेरा वीडियो देखा, देखने के बाद जो मेरा वर्कशॉप सामने आया, उनको पसंद आया मेरा काम, तो उन्होंने वहाँ से कॉल करके और हमको ऑर्डर दिया, ऑनलाइन ही ऑर्डर दिया। बनने के बाद ही आप आए हैं लेने के लिए, इससे पहले एक बार भी नहीं आए थे दुकान पर, आज सिर्फ डिलीवरी के लिए आए हैं। ऑनलाइन मुझे पैसा दिया था अकाउंट पर सर, आपने मेरे पास एक बार पहले भी कभी नहीं आए थे, सिर्फ अपने अकाउंट पर डाला था पैसा और आपका सामान तैयार हो गया। तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया, मैंने बोला भाई आपका सामान तैयार हो गया, आप आइए और लेकर जाइए। तो मेरा काम सर कैसा पसंद आया, जरा मेरे व्यूअर को बताइए।